All content in this video is purely for informational and educational purpose only. Trading in stock market is a risky business. Consult your financial advisor before investing and trading. Hello traders, welcome to VPF Financial YouTube channel. This video is for stock ideas. So without wasting time, let's begin. आज का हमारा पहला स्टॉक है LIC हाउसिंग. सी ट्रेडर्स, स्टॉक ने सबसे पहले चीज क्लियर यहां पर डबल बॉटम एक मेजर सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है. यहां पर सपोर्ट क्रिएट होने के बाद स्टॉक जैसे ही ये लेवल पे आता है यहां से कंप्लीटली पुल बैक आया हुआ है और ऊपर की रैली स्टार्ट हो चुकी है. नेक्स्ट, अगर मैं ये सब सपोर्ट्स को ज्वाइन करता हूं सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3, ओके. और अगर ये हो गया हमारा रीजन नंबर सेकंड, स्टॉक इज एट सपोर्ट नंबर 1. स्टॉक में हम लोगों को मेनली जो रिवर्सल आया हुआ है मेजर सपोर्ट से रिवर्सल आया हुआ है, ओके. रीजन नंबर 3, लो हाई, हाई लो, हाई हाई, क्लियर अप ट्रेंड. तो तीन मेजर रीजन. वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम यहां पर कम है क्योंकि यहां पर कैंडल भी छोटी है, ओके. लेट्स कंसीडर कि वॉल्यूम यहां पर नहीं आया हुआ है. सो इनके अलावा हमारे पास तीन मेजर रीजन है ये ट्रेड करने के लिए. फोर्थ रीजन जो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों की ट्रेड एंट्री के लिए, अगर स्टॉक ये कैंडल के ऊपर निकलता है, लाइक इसके हाई के ऊपर निकलता है जो कि हमारी एंट्री होगी, तो स्टॉक यहां पर ये कंफर्म करेगा कि सपोर्ट पे बुलिश 3 कैंडल पैटर्न बनेगा यहां पर, ओके. सो रीजन नंबर 4, स्टॉक कैन क्रिएट अ बुलिश 3 कैंडल पैटर्न और वो कंफर्म होगा हम लोगों की एंट्री के बाद ही. सो हम एंट्री करेंगे अबव 449, एंट्री करेंगे हम अबव 449, स्टॉप लॉस रखेंगे ये कैंडल का लो जो कि है 446 का, टारगेट रखेंगे हम लोग फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि ये जोन का आ रहा है 453, नेक्स्ट टारगेट हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि ये जोन का है 455. ऑलराइट, सबसे पहली चीज ये समझते हैं स्टॉक ने क्लियर यहां पर डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन किया हुआ है. सो ये कंफर्मेशन है कि स्टॉक इज इन अप ट्रेंड. नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं सपोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो स्टॉक अपने स्ट्रक्चरल सपोर्ट पे है. नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉक ने क्लियर अप ट्रेंड फॉर्म किया हुआ है. उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर हमारी एंट्री होगी, लाइक 449 के ऊपर हमारी एंट्री होगी, वहां पर स्टॉक कंफर्म करेगा इट्स अ बुलिश 3 कैंडल पैटर्न, ओके. अब जाते हैं आज के नेक्स्ट स्टॉक पे, वो है ऑयल इंडिया. सी ट्रेडर्स, अगर मैं ये रेजिस्टेंस को ज्वाइन करता हूं, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 एंड फाइनली वी हैव द ब्रेकआउट ओवर हियर, ओके. ब्रेकआउट ये हो गया हमारा रीजन नंबर 1. रीजन नंबर 2, लो हाई, हाई लो, हाई हाई, क्लियर अप ट्रेंड. ये हो गया आपका रीजन नंबर 2. रीजन नंबर 3, ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन. तीन मेजर रीजन ये ट्रेड करने के लिए. सो बाइंग करेंगे हम ये कैंडल का हाई के ऊपर जो कि है 179 पे बाय करेंगे हम. स्टॉप लॉस रखेंगे हम वही कैंडल का लो जो कि है 174 का. टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि आ रहा है हमारा 189, नेक्स्ट टारगेट हो सकता है गैप फिलिंग हो जाए, सो लेट्स से 197 एंड सो ऑन, लाइक नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस रेजिस्टेंस एंड सो ऑन. सो तीन मेजर रीजन. सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन, स्टॉक ने क्लियर ब्रेकआउट दिया हुआ है.
सेकंड रीजन, ब्रेकआउट से पहले स्टॉक ने कंफर्म किया हुआ इट्स इन अप ट्रेंड. थर्ड मेजर रीजन, स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दिया है, उसका वॉल्यूम जस्टिफिकेशन भी हमको यहाँ पर मिल रहा है. एंट्री विल बी अबव 179, एसएल विल बी बिलो 174, फर्स्ट टारगेट विल बी 189, नेक्स्ट टारगेट विल बी 197. आज का हमारा नेक्स्ट स्टॉक है रेमन. सी ट्रेडर्स, दिस इज अवर हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, क्लियर डाउन ट्रेंड, रीजन नंबर वन. रीजन नंबर टू, अगर मैं ये सब सपोर्ट्स को ज्वाइन करता हूं लाइक दिस, सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री, एंड फाइनली वी हैव दी ब्रेकडाउन. सो ये आपका हो गया रीजन नंबर सेकेंड. रीजन नंबर थर्ड, वी हैव दी ब्रेकडाउन अलॉन्ग विद दी वॉल्यूम कंफर्मेशन. तो तीन मेजर रीजन ये स्टॉक में ट्रेड लेने के लिए. एंट्री करेंगे हम बिलो लो जो कि है 681. स्टॉप लॉस रखेंगे ये कैंडल का हाई जो कि है 687. टारगेट हम सेट करेंगे ये बॉटम जो कि आ रहा है हमारा 674. नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट सपोर्ट जो कि आ रहा है 668. अगेन इसमें भी तीन सिंपल से रीजन है ट्रेड के लिए. स्टॉक ने क्लियर डाउन ट्रेंड क्रिएट किया हुआ है, स्टॉक ने अपना रीसेंट सपोर्ट तोड़ा हुआ है, सपोर्ट तोड़ने का कंफर्मेशन हमको मिल रहा है अलॉन्ग विद दी वॉल्यूम. सो एंट्री विल बी बिलो 681, स्टॉप लॉस विल बी अबव 687, फर्स्ट टारगेट विल बी 674, नेक्स्ट टारगेट विल बी 668. आज बात करते हैं अभी नेक्स्ट स्टॉक की हमारी जो कि है टीवीएस मोटर. सेम पैटर्न, सब कुछ सेम जो हमने अभी रेमंड में डिस्कस किया, हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, ओके अगेन लोअर हाई लोअर लो, क्लियर डाउन ट्रेंड हो गया आपका रीजन नंबर वन. रीजन नंबर टू, अगर मैं सपोर्ट्स को ज्वाइन करता हूं, ये आपका बॉटम है और ये आपका सपोर्ट, सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, एंड फाइनली वी हैव दी ब्रेकडाउन. ये हो गया आपका रीजन नंबर सेकेंड. रीजन नंबर थर्ड, ब्रेकडाउन इज अलॉन्ग विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन. ये हो गया आपके तीन रीजन्स. एंट्री करेंगे बिलो दिस कैंडल जो कि है 471. स्टॉप लॉस रखेंगे हम यही कैंडल का हाई जो कि है 475. टारगेट रखेंगे हम लोग बॉटम का जो कि है 467. नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का 467 के अगर नीचे निकलता है ये स्टॉक तो काफी नीचे जा सकता है. क्यों? क्योंकि अगर हम इसका हम डेली चार्ट चेक करते हैं तो हम लोग ऑलरेडी बॉटम पे हैं, रीसेंट बॉटम्स, यहां पर कोई सपोर्ट नहीं नियर बाय में. अगर 467 ब्रेक करता है तो हो सकता है ये जोन में भी आ जाए, लाइक 454 का जोन जो दिख रहा है मेरे यहाँ. सो 467 अगर ब्रेक हो जाता है उसके बाद वी हैव दी ओनली ऑप्शन फॉर इंट्राडे टू ट्रेड एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आपको काम करना है. ओके सो तीन सिंपल रीजन इसके, ये ट्रेड के लिए स्टॉक ने क्लियर डाउन ट्रेंड फॉर्म किया हुआ है, स्टॉक ने अपना रीसेंट सपोर्ट तोड़ा हुआ है, स्टॉक ने सपोर्ट तोड़ने का जस्टिफिकेशन दिया हुआ है वॉल्यूम के थ्रू. एंट्री विल बी बिलो 471, स्टॉप लॉस विल बी अबव 475, फर्स्ट टारगेट विल बी 467, नेक्स्ट टारगेट अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन के हिसाब से अगर डीप स्टडी करते तो 460 के आसपास नेक्स्ट टारगेट आ रहा है हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है. आज का हमारा नेक्स्ट स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट. सी ट्रेडर्स, दिस इज अवर लो, दिस इज अवर हाई, हायर लो, हायर हाई, अगेन हायर लो, क्लियर अप ट्रेंड. रीजन नंबर वन, स्टॉक इज इन क्लियर अप ट्रेंड. रीजन नंबर टू, अगर मैं सब सपोर्ट्स को ज्वाइन करता हूं
like support 1, support 2 and support 3. So stock is at support, stock support pe khada hua hai. Reason number 3, yahan par clear buying pressure hai, support pe volume mein justify kar raha hai, yahan par bas buying ho rahi hai. Reason number 4, jo ki hum ye level ke upar buy karenge, ye level ke upar buy karenge aur yahan ka stop loss rakhenge, to iske upar buy karne pe ye confirm ho jayega ki it's a bullish 3 candle pattern. तो चार रीजन है आपके पास ये ट्रेड करने के लिए. बाइंग करेंगे हम लोग अबव 3475, स्टॉप लॉस रखेंगे हम ये कैंडल का लो जो कि है 3425. टारगेट सेट करेंगे हम लोग ये जो टॉप है, डबल टॉप बन के बैठा हुआ यहां पर जो आ रहा है 3505 के आसपास. नेक्स्ट टारगेट हमको सेट करना है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइक दिस जो कि है अराउंड 3520. चार मेजर रीजन फॉर दिस ट्रेड. फर्स्ट, स्टॉक इज एट स्ट्रक्चरल सपोर्ट. ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, सपोर्ट मींस ये एक सपोर्ट, आपका ये दूसरा सपोर्ट एंड यहां पर स्टॉक अब आया हुआ है थर्ड सपोर्ट के लिए. ओके, 1 2 3. सेकंड, स्टॉक ने क्लियर अप ट्रेंड फॉर्म किया हुआ है, हायर हाइज एंड हायर लोस. थर्ड, क्लियर यहां पर वॉल्यूम में भी पॉप आया हुआ है, वॉल्यूम जस्टिफिकेशन कर रहा है कि यस बॉस यहां पर बाइंग एक्टिविटी हुई है कंपैरेटिवली लास्ट 2-3 कैंडल से. फोर्थ, अगर 3475 के ऊपर स्टॉक निकलता है दैट मींस ये कंफर्म करेगा हमारा इट्स अ बुलिश 3 कैंडल पैटर्न. Alright traders, this is it. आज के ये हमारे 5 stocks. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. और traders, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, क्या रीजन है मुझे समझ में नहीं आता कि आप अच्छा कंटेंट है, अगर आपको अच्छा लगता है लाइक्स भी करते हो आप बट शेयर नहीं कर रहे हो. हो कुछ रीजन है या कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से आप शेयर नहीं कर रहे हो, तो डू कमेंट बिलो, लेट अस नो कि क्या रीजन है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो. वी नीड कि आप हमारा कंटेंट शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारा कंटेंट पहुंचना चाहिए, तो उनको भी अपने ट्रेडिंग में एक इजीएस्ट वे मिल जाएगा पैसा कमाने का और मेन मार्केट का कंसेप्ट समझने का. थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.